नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही दिलचस्प विषय पर, जो है एसिडिटी, जिसके बारे में हम सब लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं और कोई ना कोई हमेशा छोटी मोटी एसिडिटी से जूझा जरूर होगा। तो उसी पर हम बात करेंगे, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से एसिडिटी को किस तरीके से देखा जाता है, क्या क्या बीमारियां हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को लेकर हो जाती हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी से बताना चाहती हूं कि अगर आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, अगर आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी, किसी भी बीमारी का इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान ना हो, चिंतित ना हो, सिर्फ फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको स्वामी जी की सलाह जरूर प्राप्त होगी। अगर आप स्वामी जी से मिलना चाहते हैं और उनके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप इन्हीं नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। स्वामी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा विषय है एसिडिटी, और कोई ना कोई एसिडिटी का शिकार हुआ ही है, चाहे वो थोड़े से देर के लिए हुआ हो, चाहे लंबे टाइम के लिए हुआ हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में इसको किस तरीके से देखा जाता है कि एसिडिटी को आयुर्वेद में या एलोपैथ में, यूनानी में या सिद्धा में देखने का तरीका वही है जी। उससे होने वाली वेदनाएं भी वही है, निदान के तरीके अलग है और बोलने के लिए शब्द अलग है जी। एलोपैथ में इसे कुछ अलग नाम से कहेंगे, आयुर्वेद में कुछ अलग कहेंगे, लेकिन विषय यहाँ निदान की हो। बिल्कुल। तो एलोपैथ में इसका कोई परमानेंट निदान नहीं है, आयुर्वेद में इसका पूर्ण रूप से निदान है, लेकिन शोधन करने के ऊपर निर्भर बहुत सारी चीजें। जैसे अब गांव में तो नॉर्मली भाई हींग ले लो, ऐसे भी करते हैं जी, जी, जी। भाई लहसुन भूंग करके खा लो, से भी करते, खाली हरहर पाउडर ले लिया करो, लेकिन निर्भर करता है एसिडिटी कितने प्रकार से बनती है और उसके बनने का रीजन क्या है। प्रकारों के बारे में स्वामी जी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको दर्शकों से जोड़ना चाहूंगी कि आप उन दर्शकों को कुछ कहें जो एसिडिटी, जो देखने में बहुत माइनर प्रॉब्लम लगती है, लेकिन उसको कहने से हिचकिचाते हैं और बताते हुए भी शर्माते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिये, जिनको शर्म करने के, तो शर्म ऐसी जगह पर, रोगियों से क्या शर्म करना, जो है ईश्वर ने जो दिया उसको भोगना होता है जी। एसिडिटी बढ़ रही है, खट्टा डकार आ रहा है, बहुत सारी चीजों से लोग एजिटेटेड होते हैं, इरिटेटेड होते हैं जी। लेकिन हेरिटेड होने से क्या मतलब, आप शर्मिंदगी से क्या लेंगे, आज नहीं तो वो जो प्रॉब्लम आगे चलकर बढ़ जाएगी तो उस समय तकलीफ होगी। एसिडिटी होने के कई कारण होते हैं। पहले जब तक आप कारण को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसका निदान नहीं कर सकते जी। स्वामी जी कारणों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। जी, मैं राकेश मिश्रा बोल रहा हूँ। मैडम जी, कहाँ से बोल रहे हैं राकेश जी आप? जी, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ जी। बताइए अपनी समस्या, बताइए स्वामी जी आपको सुन रहे हैं। जी, मेरे पिताजी की उम्र लगभग 88 वर्ष है और उनको 26 जनवरी 2015 में रात में लकवा हुआ था जी। 27 को हमने सुबह सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में एडमिट किया, ट्रीटमेंट चला और 2 फरवरी को उनको वहाँ से रिहा किया गया। उसके बाद हमने फिजियोथेरापी वगैरह 6 महीने तक कराया जी। थोड़ा चल फिर लेते थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे हैं और आवाज भी थोड़ी कम हो गई है। तो मैं स्वामी जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये लकवा ठीक हो सकता है जी, वो दैनिक क्रिया आपने कर सकते हैं या नहीं हो पाएगा? मैं आपसे उनकी उम्र जानना चाहती हूँ। उनकी उम्र 88 वर्ष है जी। ठीक है राकेश जी, मिश्रा जी, ऐसा है कि ये रोग पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ 2 बात जानना चाहूंगा कि इनका जो रिपोर्ट है उसमें जो ब्रेन में ब्लड क्लॉट है वो कितने सेंटीमीटर का है। दूसरा, जब इनको ये पैरालिसिस का अटैक आएगा आया था तो ये बीपी से हुआ है या डायबिटीज से हुआ है या आकस्मिक शरीर के नर्वस सिस्टम डाउन होने से हुआ है। जब तक आपके ब्रेन का क्लॉट पूर्ण रूप से डिजॉल्व नहीं होगा, तब तक पैरालिसिस कंप्लीट क्योर नहीं होगा और ये दोबारा भी हो सकता है। तो वो आपके रिपोर्ट की क्या सिचुएशन है आप बताइए जी। उसमें ऐसा है कि वो माइल्ड क्लॉटिंग था। हाँ जी जी, माइल्ड क्लॉटिंग। हाँ हाँ, जिसके कारण दाहिना हाथ और दाहिना पैर बिल्कुल काम नहीं करता। बिल्कुल जी। तो अभी वो डिजॉल्व हो गया?
नहीं अभी डिजोल कहाँ हो पाया, वो तो उसी तरह बिस्तर पे पड़ा ही है, टट्टी पेशाब उठा के कराना पड़ता है या बैठालना पड़ता है उठा कर। राकेश जी मैं आपको ये बता दूं, ये पूर्ण रूप से निदान हो जाएगा। कई बार जो फिजियो की बात करते हैं, कोई पंचर की बात करते हैं, या कुछ लोग मेड्रिन थेरेपी या दशकर्मा की बात करते हैं, वो सबसे पहले उनको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी पॉइंट को दबाने से क्या लाभ होगा और कौन सी पॉइंट को दबाने से क्या हानि होगी। तो इनको ठीक करने के लिए हमारे हिसाब से हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है, मुश्किल से एक महीने का समय लगा। जी मैं जानना चाहूंगी, काफी परेशान लग रहे थे अपने पिताजी को लेकर, ये तो आपके यहाँ किस तरीके से समाधान किया जाएगा? मेरे यहाँ इनको लेकर के आना पड़ेगा, उनके साथ में एक बंदा रहेगा, हमारी जैसी टूटी फूटी व्यवस्था है, भोजन प्रसाद रहना सहना सब दिया जाएगा, हमारा लड़का इनका एक्सरसाइज कराता रहेगा अपने आप, उसका कोई चार्जेज नहीं लेते हैं, और खाने पानी का भी हम कभी कोई चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन क्या है कि एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए ये फिंगर है, अगर ये फिंगर है मान लीजिए, और इसको हमने ये ऐसे सीधा किया तो ये सीधा रहेगा, और अगर हमने इसको ऐसा क्रॉस कर दिया तो पैर टेढ़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक बार आना ही पड़ेगा इनको हमारे यहाँ पर, एक बार बिल्कुल आना ही पड़ेगा, और ज्यादा नहीं एक महीने के अंदर वो सारी क्रियाएं अपने आप करने लगेंगे। लेकिन दवा इनको कम से कम 1.5 साल लेनी रहेगी, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है। लेकिन आप गारंटी लेते हैं कि इनके पिताजी सिक्योरिटी गारंटी लेकर बात करते हैं। जी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने पिताजी को लेकर आरोग्य ब्रह्मांड में जलगांव में आ जाइए। जी जलगांव में जाइए और वहां पे उनका इलाज कराइए, स्वामी जी गारंटेड आपके पिताजी को स्वस्थ करने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। स्वामी जी हम बात कर रहे थे एसिडिटी को लेकर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि उनके कारण क्या क्या है। एसिडिटी के कारण सिर्फ ये नहीं कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आपका मल त्याग नहीं होता है तो ही एसिडिटी बनेगी, एसिडिटी के कई कारण है। सिजोफोर्निया से भी एसिडिटी बढ़ती है, एंजाइटी से भी एसिडिटी बढ़ती है, जरूरत से ज्यादा मानसिक विचार करने से भी एसिडिटी बढ़ती है जी। और अगर आप आहार विहार की बात करें तो जब भूख लगी तब आप नहीं खाया, बाद में खाया, या कोई चीज सामने रखी स्वादिष्ट आपको भूख नहीं है तो भी खाया, तो इसको हम अपचन में गिनेंगे। सेल्फ क्रिएटेड एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, जैसे आप बैठे हैं या कोई भी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि बैठे हैं और किसी कारण उन्होंने बहुत ज्यादा डीप विचार करना चालू करा, तो उसका पहला इफेक्ट उनका हाइपर एसिडिटी होगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो बॉडी इचिंग करेगी, और ज्यादा होगा चेस्ट में जलन करेगी। अब इसको कितनी भी दवाइयां दे दो उसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसके लिए उनको जैसे स्नान के बाद एक गिलास पानी पीना काफी अच्छा रहेगा उनके लिए, तो बीपी बैलेंस में रहेगा, या भोजन उपरांत दोपहर में आधा चम्मच हल्दी और 3 काली मिर्च इसके पाउडर को अगर लेंगे। टिप्स तो के बारे में स्वामी जी बात करेंगे, लेकिन आपने बताया कि जैसा कि मानसिक संतुलन से भी हमारा एसिडिटी का एक प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, तो मैं इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है स्वामी जी। स्वामी जी जैसे कि आपने बताया कि मानसिक तनाव भी एसिडिटी का एक मुख्य कारण है, तो वो किस तरीके से? मानसिक तनाव में ऐसा है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को पूर्ण रूप से ऑपरेट करने के हार्मोन्स पॉइंट्स सारी ब्रेन में ही अवेलेबल है। ओके। हम मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे, हमारी होप्स अधूरी रहेंगी, या हम उस पे बार बार सोचते रहेंगे कुछ चीजों को, जैसे मान लीजिए हम वर्क कर रहे हैं, सुबेरे से आप वर्क पे आइए और पूरा दिन काम करिए निगेटिव हो जाए, तो आपकी मानसिकता तो बनी यार दिन खराब हो गया, तो आपका दिन खराब होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि आज मेहनत किया तो कल फेल मिलेगा, परसों तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे जी। तो हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के 150 बीटा सेल्स, वो उनके जो हार्मोन्स पॉइंट डेड होने लगेंगे, तो आपको हाइपर एसिडिटी पढ़ने लगेगी। ओके। बॉडी में खुजली होने लगेगी। रीजन क्या है कि किसी भी चीज को, जैसे पाचन रस आएगा तो ही आपका डाइजेशन होगा। जी जी। रचना वात पित्त और कफ पे निर्भर है जी। हम बात करेंगे स्वामी जी इस पे भी आगे, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मुनेंद्र पाल सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुरादाबाद से जी। बताइए अपनी समस्या बताइए। मुझे शुगर की समस्या है जी। कितने टाइम से? ये 1.5 साल हो गया, और क्या कहते हैं, बैंगनी की दवा खाता हूँ तो कंट्रोल हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, और क्या कहते हैं, सीना में थोड़ा दर्द रहता है मेरे जी। कितनी उम्र है आपकी? 42 वर्ष है सर। 42 वर्ष। खाने से पहले कितना और खाने के बाद?
क्या चीज? डायबिटीज। खाने से पहले कितना और खाने के बाद कितना आपने चेक किया है? नहीं ऐसा तो नहीं किया, सुबह नापता हूँ और शाम नापता हूँ। हाँ तो आप एक काम करिए, खाना खाने से 2 घंटा पहले और खाने के 2 घंटे बाद चेक कर लीजिए। दूसरा, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हुआ है अभी? पैरों में जलन होना? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी। हाँ तो फिर अभी दर्द होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इसके लिए आप दवाइयाँ मंगा लीजिए हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से आएगा ब्रह्मांड मेहा पाउडर, ब्रह्मांड पाचक चूर्ण, क्योंकि प्रियंका जी जब तक आदमी का डाइजेशन सही नहीं होगा डायबिटीज कभी सही ही नहीं हो सकता है। और पेनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए जो औषधियाँ दी जाएंगी, जब तक डाइजेशन सही नहीं होगा वो दवाइयों का कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसलिए ब्रह्मांड मेहा पाउडर जो है आपको खाना खाने से पहले 1 चम्मच लेना है, और ब्रह्मांड पाचक पाउडर खाना खाने से 1 घंटे के बाद या आधे घंटे 10 मिनट बाद गर्म पानी से लेना है दोनों समय। साथ में डायबिटीज पेशेंट भूखे ना रहे, बार बार खाए, थोड़ा खाए और खाने के बाद में पानी पिए, और मानसिक रूप से थोड़ा सा शांत रहें, क्योंकि डायबिटीज सेल्फ क्रिएटेड है। ओके, मैं बताना चाहूंगी आपको कि आप को जो स्वामी जी ने सलाह दी है उसको जरूर अपनाइए। खाने से पहले 2 घंटे पहले अपनी डायबिटीज को नापिए और खाने के बाद नापिए, फिर उन पे संपर्क करिएगा और संपर्क कीजिएगा उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी, रोगी को निरोगी बनाना आरोग्य ब्रह्मांड कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है, लेकिन हम तभी बना पाएंगे आपको निरोगी जब आप हमें रोग बताएंगे। तो फोन कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9932020287 8860867515। ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी ISO सर्टिफाइड को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287 9821201498।